हिम्मत की बात ना करें। कांग्रेस से लेकर बीजेपी अमीर देवगन की हिम्मत मांगती है। मेरी हिम्मत इस देश की जनता है। अच्छा, गाँव के अंदर आप मीडिया को नहीं जाने दे रहे। एनसीआरबी के डेटा का इससे क्या लेना देना? या तो आप बोल दीजिए कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार होगी वहाँ रिपोर्टिंग नहीं होगी, बस खत्म बात। वो पुलिस के पास जाता है ना, ये तो बेटियों को समझाने के बराबर है कि आगे से अपनी मुंह मत खोलना। हर चीज पे कॉन्फ्लिक्टिंग वीडियो और हर चीज पे सही हुआ बयान है। अब जस्टिफाई कर रहे हैं पहला दिन का बयान के बाद एक के बाद एक गलती भारतीय जनता पार्टी सरकार की। कैसे डिफेंड करेंगे आप अपने आप को? सर सर सर, ज्ञान और भाषण नहीं। हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया जनता के मुद्दे कम और अन्य मुद्दों पर ध्यान ज्यादा देता है, पर इस बार यूपी में जो घटना हुई उस पर मेनस्ट्रीम मीडिया में भी डिबेट्स देखने को मिल रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मीडिया की वजह से ही शायद सरकार अब तेजी से काम भी करेगी। और इन डिबेट में खास ये रहा कि सवाल मीडिया ने बीजेपी नेताओं से किए, तो आज हम उन्हीं डिबेट्स का जिक्र आज की वीडियो में करेंगे। आज तक पर हाथरस जाने से मीडिया को रोकने पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने बीजेपी नेता गौरव भाटिया से सवाल किए, जिस पर वह एनसीआरबी के डेटा की बात करने लगे। तभी रोहित ने बीजेपी नेता को टोकना शुरू किया। एनसीआरबी डेटा 2019 का आया, 5,997 रेप हुए। क्राइम रेट राजस्थान का 15.9 है, यूपी का 2.8 है। क्या ये सवाल वाजिब नहही है? तो आ जाए हैं, मैं ये सारे डेटा कल सुना चुका हूँ पढ़ के। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एनसीआरबी के डेटा का इस बात से क्या लेना देना कि गांव के अंदर आप मीडिया को नहीं जाने दे रहे। एनसीआरबी के डेटा का इससे क्या लेना देना? या तो आप बोल दीजिए कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार होगी वहाँ रिपोर्टिंग नहीं होगी, बस खत्म बात। ठीक है, फिर हम अपना तय करेंगे हमें कैसे करना कैसे नहीं। थोड़ा सा संयम दिखा लीजिए। नहीं सर, आप लोग संयम दिखाएं तब तो कोई संयम दिखाएगा ना। अगर आपकी पुलिस वहां संयम नहीं दिखाएगी तो दूसरे लोग कैसे संयम दिखाएंगे? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी पार्टी के साथ मिल गए हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अक्सर आपको कह रहा हूं, आप वो भी कह लीजिए। मैं तो सिर्फ अनुमति लूंगा, सुन लेता हूं, आपसे भी सुन लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान में लेकिन सर, हमारी ये आदत ना कहना है। आप मुझे एक जायज कारण बताइए, आप वहां मीडिया को क्यों नहीं जाने देंगे, क्यों रिपोर्टरों को धक्के मार के निकालेंगे? आपको रोकना था राहुल गांधी को, आपने कल रोक लिया। न्यूज 18 पर हाथरस की घटना पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश ने बीजेपी नेता संबित पात्रा से सवाल पर वह राजस्थान की घटना का जिक्र करते दिखे। जब एंकर ने यूपी की घटना पर बात करने को कहा तो उस पर संबित ने अमीश पर सवाल खड़े किए और बदले में अमीश संबित पर भड़क गए। आप हवाला 12 का दे रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, 12 में गलत हुआ होगा, लेकिन क्या वो हाथरस के गलत को सही कर देता है? गलत मत करिए अमीश जी, आप गलत कर रहे हैं आज। आप भी कह रहे हैं कि 12 में रेप नहीं हुआ, अभी कांग्रेस की मैं कह रहा हूँ 12 में गलत हुआ संबित पात्रा, मैं कह रहा हूँ 12 में गलत हुआ, क्या वो हाथरस में सही करता है संबित पात्रा? सवाल ये आप देंगी और अमीश देवगन शो सम स्पाइन, आप स्पाइन दिखाइए, आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए अमीश देवगन। नहीं, मेरी हिम्मत की चिंता मत करिए, मैं तो नेताओं की हिम्मत का साथ देता हूँ। जो रेप जैसे घिनौने अपराध पर भी को भी डिफेंड करते हैं आप जाकर, मैं तो नेताओं की हिम्मत की दाद देता हूँ। मेरी हिम्मत की बात ना करें। कांग्रेस से लेकर बीजेपी अमीश देवगन की हिम्मत मांगती है। मेरी हिम्मत इस देश की जनता है, मेरी हिम्मत मेरे व्यूअर्स है जो लाखों करोड़ों की तादाद मुझे देखते हैं। मैं आपसे संबित पात्रा सवाल पूछता हूँ, क्या बारह में जो गलत हुआ उससे हाथरस सही हो जाता है? आज तक पर यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने एडीजी के बयान पर बीजेपी नेता से सवाल किए, जिस पर वे बात को गोलमोल घुमाते दिखे। पर अंजना ने बीजेपी नेता को टोका और सही जवाब देने को कहा। मुख्यमंत्री जी का यह बयान, दो बड़े काम आप गिनाना भूल गए सुधांशु जी। मैं आपको टोकती नहीं हूँ, लेकिन आज सुनिए जरा, दो बड़े काम जो आप लोगों ने किए वो बताना भूल गए, इसीलिए टोक कर बता रही हूँ। एक, एडीजी सामने आए ये बताने के लिए और समझाने के लिए कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं। जी, मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये सवाल मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, लेकिन आज मैं पूछ रही हूँ। तो क्या वो 3 से 4 लोग, एक सेकंड सर, बिना हत्या के वो चले गए, हत्या करने के लिए ले गए थे, किस चीज के लिए ले गए थे सर, बता दीजिए। अंजना जी, जो आपने सवाल किया हो बिल्कुल जायज है, इसलिए एडीजी के बयान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक एसआईटी के द्वारा उस चीज की पुष्टि नहीं हो। क्यों दे रहे हैं? एसआईटी इस विषय किसी की बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है तो किसी के भी बयान ना सर, वो पुलिस के पास जाता है ना। ये तो बेटियों को समझाने के बराबर है कि आगे से अपनी मुंह मत खोलना, वरना तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कठोर दंड मिलेगा, चाहे अधिकारी हो या पुलिस का व्यक्ति हो। न्यूज 18 पर यूपी में हुई घटना पर डिबेट में अमीश ने बीजेपी नेता से इंसाफ दिलाने को लेकर सवाल किए। अपने जवाब में बीजेपी नेता बात को इधर उधर घुमाते दिखे, जिस पर अमीश ने पलट सवाल करने शुरू किए, जिससे वह परेशान दिखाई दिए।
नुपुर शर्मा, आपने ये तो भूमिका बना ली कि देखिए मैं भी महिला हूँ, आप देखिए मैं तो कभी भी किसी किसी के खिलाफ किसी महिला के खिलाफ भी अन्याय हो, लेकिन अन्याय तो हुआ। पहला अन्याय गिनाऊ मैं, जब आधी रात को संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार आधी रात को कर दिया गया। दूसरा अन्याय, परिवार वालों को सबसे मिलने से रोका जा रहा है। कि जो गलत हुआ है सही हुआ है आप भी जानते हैं, हर चीज पे कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है, हर चीज पे कॉन्फ्लिक्टिंग वीडियो और हर गलत हुआ है सही हुआ है। अब जस्टिफाई कर रही है पहला दिन का बयान हो माता श्री, आप मेरे को कंप्लीट करने दें, मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। मैंने बोला, आपने बोला गलत हुआ है सही हुआ है, गलत हुआ है गलत, गलत ये सही नहीं है। अमीर जी मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने दे रहा हूँ, लेकिन सही क्या गलत, सही बोलिए। जज नहीं, मैं जज नहीं, क्या सही है क्या गलत है ये कोर्ट कचहरी के दायरे में आता है, मीडिया के दायरे में नहीं आता, मेरे दायरे में नहीं आता, यही यही पार्टी के दायरे में नहीं आता, कांग्रेस की पार्टी के दायरे में भी नहीं आता। तो यही अगर कांग्रेस शासित राज्य में हुआ होता या विपक्ष के शासित राज्य में होता तो यही बयान होता आपका मैडम। आज तक पर हाथरस में पुलिस व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर डिबेट हुई। इस डिबेट में रोहित ने यूपी के मंत्री से पुलिस द्वारा शव को रात को जलाने को लेकर सवाल पूछे, जिसमें वह बात का ठीक से जवाब ना देते दिखे। तब रोहित ने उन्हें टोका और सही जवाब देने को कहा। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा आपको उसका जवाब नहीं दे रहे, मैं मानता हूं आपने SIT बना दी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री ने योगी जी को फोन करके कहा इस पर जल्दी इंसाफ करो, कठोरतम कार्रवाई करो। हो सकता है आप ये भी बताएं कि हमने तो 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन मुझे ये बताइए ना सर के आधी रात में 1:30-2 बजे जाके लड़की के शव को जलाया क्यों गया, क्या कारण था? देखिए वहां की क्या परिस्थितियां थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको बेहतर समझा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार परिवार के लोग वहां मौजूद है, पूरी रीति रिवाज से हुआ है, लेकिन वहां पर जो मोहसिन रजा, इसे आप रीति रिवाज कहते हैं? लेकिन रोहित आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी पर, रजा साहब आप देख रहे हैं एक आदमी पेट्रोल या मिट्टी के तेल की कैन जैसी किसी चीज से कुछ छिड़क रहा है लगातार उसके ऊपर। तौर पर हम राजनीति करने नहीं बैठे हैं, हम सब दुखी हैं, भरे मन से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे केवल यह बता दीजिए सर आधी रात में चोरी छुपे दबे पांव पुलिस ने जाकर शव को जलाया क्यों? और रोहित इसको बात का बतंगड़ ना बनाया जाए साहब, सामने टीवी पर ऐसा कुछ। न्यूज नेशन पर भी हाथरस की घटना पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर दीपक चौरसिया ने बीजेपी नेता से इस घटना को लेकर सवाल किए, जब वे ठीक से जवाब ना देते दिखे तो दीपक उनको टोकते दिखाई दिए। मुझे बताइए हाथरस का कांड क्यों ना नेशनल न्यूज बने, आप लड़की को पहले लड़की के बलात्कार को फेक न्यूज बताते हैं, उसके बाद आपके अधिकारी इस पर लीपापोती की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक गलती भारतीय जनता पार्टी सरकार की, कैसे डिफेंड करेंगे आप अपने आप को? और ताल्लुक रखता हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया है, SIT बनाया गया है, और SIT की विशेषता यह है दीपक जी कि इस सर 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 ज्ञान और भाषण नहीं, गुरुप्रकाश जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, एक के बाद एक गलतियां। नहीं नहीं दीपक जी जो हुआ मैंने कहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो हुआ जवाबदेही आपकी है, जवाब देना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट मैं जवाब दीपक जी मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं, और कड़ा से कड़ा निर्णय लिया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, लिया जाएगा क्या होगा सर, महिलाओं डीएम साफ साफ कैमरे पे धमका रहा है, डीएम साफ साफ कैमरे पे धमका रहा है, मैं आपको फिर सुना देता हूं उसके बाद, उससे नहीं कब लिया जाएगा। अगर मीडिया हर जरूरी मुद्दे अपने डिबेट के जरिए उठाए तो जैसे अब कार्रवाई में थोड़ी तेजी नजर आ रही है वैसे ही बाकी मुद्दों पर भी दिखे। हम यही उम्मीद करेंगे कि मीडिया आगे भी ऐसे ही सरकार से सवाल करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।